सो द बेडरूम क्लोज़ वर कोल्ड। चदरें जो थी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, राइट। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोज एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो ऊपर जो पट्टियाँ थी, चश्मा, वो सारा खोल खाल कर पट्टियों को रूम में रखा हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन स्निफिंग की आवाज़ आई कान में मिसेस हॉल के, जैसे कि किसी ने स्निफ किया उसके कान के पास। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। अगले ही मिनट, अगले ही क्षण वह हैट जो पड़ा था, ब्रिम्ड हैट, हवा में उछला, तैरता हुआ हवा में आया, मिसेज हॉल के फेस पे जा टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। फिर जो बेडरूम में चेयर पड़ी थी वो जिंदा हो उठी, जिंदा हो उठी, उड़ने लगी, ऊपर उठने लगी, खिसकने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। हवा में चेयर उठी और सीधा निशाना मारा उसकी टांगों पर, मिसेस हॉल्स की लातों पर लगी। एंड शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। अब वो डर गए बुरी तरह, भागने लगे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। और वो हवा में तैरती हुई जो कुर्सी थी उसने धकेल कर उन दोनों को, दोनों मियाँ बीबी हॉल्स और मिसेस हॉल्स को बाहर निकाल दिया। देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और पीछे से लॉक बोल्ट हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टीरिक्स। हिस्टीरिक कहते हैं गश खा जाना, फेंट हो जाना, चक्कर आ जाना, और वो सीढ़ियों से गिर गई नीचे को। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। आज वो ऐसे कन्विंस हुई जैसे यहाँ भूतों का कमरा हो, यहाँ भूत रहते हों। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दोज टू एंटर इन हर फर्नीचर। और उसके जहन में, उसके दिमाग में बात आ रही थी, ज़रूर ये जो ग्रीफिन साइंटिस्ट है इसने कोई भूत भात मेरे फर्नीचर में डाल दिया है, जो कुर्सियों को उड़ा रहा है और मेरे को मार रहा है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। मेरी बेचारी माँ जो मर गई, हॉल्स कहती है, इस पे बैठा करती थी इस चेयर पर। टू थिंक इट शुड राइज अप एंड अगेंस्ट मी नाउ। इसलिए ये उठकर अब मेरे को मार रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाई विच क्राफ्ट। अड़ोस पड़ोस में जो हल्ला मचा, उन्होंने कहा शायद कोई चुड़ैल का काम है। नेबर्स कहने लगे कोई विच क्राफ्ट है, चुड़ैल का काम है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्गी मैन्स होम बिकेम नोन। और जब क्लर्गी मैन के यहाँ जो बर्गलरी हुई, चुपचाप से घर में कोई आ गया सिंध मार के और पैसे उठा के ले गया। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट। अब सब लोग उस ग्रीफिन साइंटिस्ट के बारे में सोचने लगे और कहने लगे हो ना हो उस विचित्र आदमी का हाथ है इन सारी एपिसोड्स में। सस्पिशन ग्रू स्ट्रॉन्गर, शक और मजबूत होता चला गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस रेडी कैश। और ज़्यादा शक तब हुआ जब उसने जेब से पैसा निकाल कर मिसेस हॉल को दिया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। हालांकि उसने अभी कुछ समय पहले, दो दिन पहले कहा था मेरे पास पैसे नहीं हैं, चेक आएगा आपके यहीं आएगा, इन में मैं आपको दे दूंगा। तो अब ये पैसे कहाँ से आए उसके पास, ये भी एक प्रश्न था इनके लिए, क्योंकि इसने चोरी की थी क्लर्गी मैन के। पक्का होता जा रहा था ये ग्रीफिन ही है, इसके ही सारे कारनामे हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब इनसे थाने में रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस वाले को बुला लिया गया। इंस्टेड फॉर वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम
हिज एम्प्टी बेडरूम। अब उस खाली बेडरूम में वो पता नहीं किस रहस्यपूर्ण तरीके से वापस आ गया था, नज़र आ रहा था, और मिसेस हॉल उसके कमरे की ओर रवाना होगी बजाय कि पुलिस वाले का इंतज़ार करती कि वो आता है तो उसके साथ चलते हैं। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अकेली ही पहुंच गई उसके कमरे में और पूछ, मैं जानना चाहती कि तू मेरी ऊपर ये सीढ़ियों से क्या कर रहा है, सीढ़ियों से मेरी चेयर से क्या कर रहा है तू, मेरी चेयर को क्या कर दिया तूने, शी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये बताओ अभी तो ये दरवाज़ा बंद हो गया था, यहाँ एम्प्टी था, खाली था, ये रूम लॉक था, तुम आए तो आए कैसे, बंद दरवाजे के अंदर तुम आए तो आए कैसे, बड़ी विचित्र बात है। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। ये जो साइंटिस्ट था आपको बताया है इरिटेबल टेम्पर था, एकदम फ्यूरियस हो जाता था, झट से उसको गुस्सा आता था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ए मैडम तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ठीक है अभी बताता हूँ, वेरी वेल आई विल शो यू। और उसने मिसेज हॉल के सामने सामने ही थ्रू ऑल ऑफ द बैंडेजेस विस्कर्स स्पेक्टिकल्स एंड इवन द नोज, एक एक करके उसने अपनी बैंडेज खोली, मूछें उतारी, नोज उतारा, विस्कर्स उतारे, स्पेक्टिकल्स उतारा, सब कुछ उतार दिया एक एक करके। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दैट, बारी बारी से चीज़ें उतारी, एक मिनट ही लगा होगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। और बाहर इनके जो बार में आते हैं लोग पीने खाने, वो भी खड़े तमाशा देख रहे थे, और सब एक बिना सिर के आदमी को, सिर्फ धड़ है सिर नहीं है, खड़े देख रहे हैं। इतनी देर में मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव, थाने से पुलिस वाला जाफर नाम का आ गया, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। किसको पकड़ना है, इसको, एक बिना सिर वाले आदमी को। अच्छा, बट जाफर वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जाफर को उसकी ड्यूटी से कोई पीछे नहीं हटा सकता। इफ अ मजिस्टर वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। ये बताया कि जाफर अपनी ड्यूटी करने में बहुत ही अच्छा एफिशिएंट था, जो उसको उसके मजिस्ट्रेट कह देते थे, वारंट दे देते तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर ही लाता था, चाहे वो जिंदा है या मरा है, साबूत है या आधा आधा है, नहीं वो अपना ऑर्डर भेजाता था। उसको लगा कि अब एक बिना हेड वाले आदमी को पकड़ना है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। अब यहाँ का सीन, पुलिस वाला जाफर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा है, अदृश्य हो रहा है। एज ही थ्रू ऑफ ऑल द गारमेंट वन आफ्टर अनदर, वो पकड़ने की कोशिश करता वो कपड़ा उतार देता, वो पकड़ने की कोशिश करता वो कपड़ा उतार देता, और वो गायब होता चले जाता। फाइनली अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर, आखिर में एक कमीज उड़ के गई, एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट। और उसी समय उसने पाया कि वो किसी के साथ हतमपाई कर रहा है, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा, नज़र में कोई नहीं आ रहा है, वो हतमपाई कर रहा है। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने आकर उसकी मदद करनी चाहिए, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन मदद तो क्या करनी, उनको हाथ पैर घूंसे पड़ने लगे, ना जाने कहां से कौन मार रहा है, दिखाई कोई नहीं दे रहा था, और धड़ाधड़ उनके मुंह पे पेट पे घूंसे लाते बरस रही थी। इन द एंड जाफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, आखिर में पुलिस वाला जाफर्स बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने आखिरी हिम्मत लगाई उसको पकड़ने के लिए, अनदेखे वैज्ञानिक को, ग्रीफिन को, राइट, उस समय
उसको नॉकडाउन कर दिया गया और वो बेहोश हो गया। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ, और बाहर खड़े लोग कह रहे थे, पड़ोसी कह रहे थे, अरे होल्ड द मैन, अरे उसको पकड़ो। ये क्राइज, ये शाउटिंग में नर्वसनेस थी, लेकिन सब यही कहते पकड़ो उस आदमी को। बट दिस वॉज ईजियस्ट सैड देन, लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क होता है, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। कह कोई भी लेगा, लेकिन कर कोई 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 सकता है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, उन लोगों के चंगुल से ग्रिफिन ने अपने आप को छुड़ा लिया। एंड नो वन वाज वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और अब वहाँ भीड़ में कोई नहीं जानता था कि किसको पकड़ें, क्योंकि ग्रिफिन उनके हाथ से बचकर अदृश्य होकर निकल गया, वहाँ से गायब हो गया। रिटन बाय H.G. Wells। H.G. Wells ने कहानी लिखी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है। द इनविजिबल मैन, बड़े हो जाओगे तो एक नाटक पढ़ोगे, पूरा एक बुक पढ़ोगे, द इनविजिबल मैन, उसकी ये एक छोटी सी कहानी बनाई है 10th क्लास में CBSE ने। वैसे बड़े हो जाओ तो ये एक नॉवल है। ओके चिल्ड्रन, नाउ इट्स योर ड्यूटी, एक बार रिवाइज कर लो, दो बार सुन लो, कहानी आपको समझ आ गई है, नोट्स मैं इसके बनाऊंगा और फिर अगली क्लास में आपको भेज दूंगा। आई सेंड द नोट्स इन द नेक्स्ट टर्न। रिवाइज दिस, लिसन टू द वीडियो एंड रिमेंबर द स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।